मेरा नाम साद सईद है और ये जो बिज़नेस हमारा है, मैं ये काम जो है तकरीबन पिछले 10-15 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन ये दुकान हमारी जो है या ये जगह हमारी तकरीबन 60 साल पुरानी है। यानी हमारा बेसिकली बिज़नेस ये तांबे के काम का है। मिसाल के तौर पे 1000 साल या 2000 साल पुराना काम है ये। हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं और फिर इसमें पहले लोग तो ये इस्तेमाल करते थे, एज अ घर में इस्तेमाल करते थे सालन पकाने के लिए, लेकिन महंगाई होने की और ये तांबे की चादर महंगे होने की वजह से अब वो इसको डेकोरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। अब तो ज़्यादातर महंगे होने की वजह से कोई घर में स्टील और सिल्वर के आने से कोई घर में जो है ना तांबे का बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मिसाल के तौर पे ज़्यादा आजकल जो है ना ये डेकोरेशन सामान ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। हम ख़ुद भी करते हैं लेकिन हमारे पास अपने कारीगर हैं और जो आजकल घरों में काम करते हैं इसका कोई अपना वो नहीं है, उन्होंने अब ज़्यादातर काम जो है घरों में शुरू किया हुआ है। पहले तो ये सारा बाज़ार जो है ना, इस बाज़ार का नाम ही मिसगर बाज़ार होता था। महंगाई होने की वजह से लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। ये मेरे अबू का शौक़ है, उन्होंने ये सामान जो है ना या ये तांबे के बर्तन दुकान में रखे हुए हैं। फिर मेरा भी ये शौक़ है इंशाल्लाह, तो शौक़ की वजह से ही हमने रखे हुए हैं। वरना कुछ बाज़ार आप ये बाहर दुकानें देख लें, सब ने तांबे के बर्तन जो हैं दुकान से निकाल के और स्टील और सिल्वर लगाई हुई है। ज़्यादातर तो इधर हमारे पेशावर के लोग आते हैं इस तरह डेकोरेशन सामान लेने के लिए, फिर पिंडी लाहौर से भी आते हैं। फॉरनर्स पहले आते थे, हालात ख़राब होने की वजह से या मुल्की हालात और ये कोरोना जो बीमारी आई हुई है इसकी वजह से जो है ना अब ज़्यादातर फॉरनर्स तो नहीं आ रहे, लेकिन इस तरह लाहौर या इस्लामाबाद से अक्सर कस्टमर आते रहते हैं हमसे डेकोरेशन सामान लेने के लिए। पहले फॉरनर्स आते थे, वो ये चीज़ें पसंद करते थे, फिर वो अपने साथ लेकर जाते थे, हमें ऑर्डर देकर जाते थे। हालात की वजह से और उसकी वजह से अब फॉरनर्स नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से बिज़नेस पर काफ़ी असर पड़ा है। अब तो डॉक्टर्स भी जो हैं ना, डॉक्टर्स ज़्यादातर जो हैं लोगों को कह रहे हैं कि तांबे के बर्तन में फ़ायदा है, सिल्वर और स्टील जो है ना वो ना इस्तेमाल करें। लेकिन बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी इस उस पे बर्तन रखे हुए हैं कि चलो दोबारा जो है ना कभी इनका एक दौर आएगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका दौर लाजमी आएगा।